सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ टीवी देख रहे सारे स्रोतों जी आयान, पंजाब इन्हों सरकार वालों दिता गया 48 घंटे का टाइम, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। ताज़ा वड्डी खबर खबर में शुरू करने तो पहले जिन्होंने चैनल में सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लैन, तो वीडियो में वध तो वध लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन से, उतो तक तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते। हाँ, सरकार वालों जिते अगले साल होने वाली चोणों देखते हुए कई तरह के ऐलान किए जा रहे हैं। उ सूबे की कैप्टन सरकार वालों 1,00,000 नौजवानों नौकरी ना दिते जाने का भरोसा दवाया गया, जिसनों सरकार वालों पूरा किया जा रहा है। जिथे देश अंदर खेती कानूनों लैके किसानों वालों लगातार पिछले 2 महीनों तो संघर्ष जारी किया जा रहा, उत्थे पंजाब वख वख विभागों में कच्चे तौर पर तैनात कर्मचारियों वालों भी उन्होंने पक्के किए जाने मंगा लैके सूबा सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वख वख विभागों में तैनात कर्मचारियों वालों जिथे मंत्रियों का विरोध किया जा रहा, उत्थे जगह जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हुण पंजाब विच इन्हां नूं सरकार वालों 48 घंटे का टाइम दिता गया है, नहीं तो इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिथे सरकार वालों मनरेगा स्कीम के तहत पिंडां विच लोगों को रुजगार दिता जा रहा है, उत्थे इन्हां कर्मचारियों वालों अपनी कुछ मंगां नूं लैके पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 9 जुलाई 2021 तो पंजाब विच लगातार हड़ताल की गई है, जिस कारण इन्हां वर्करां दे काम ते ना जान कारण कई तरह दी मुश्किलां दर प्रवेश आ रही ने। इसलिए संयुक्त विकास कमिश्नर कम कमिश्नर मनरेगा पंजाब वालों इन्हां मुलाजमान नूं हदायतां जारी कीतियां गईआं ने। अगर इन्हां वालों अपनी सेवावां मुड़ तों जारी नहीं कीतियां गईआं तां इन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हां सारे जिलों अंदर सारे कर्मचारियों नूं 48 घंटे का समां दिता गया है। इन्हां कर्मचारियों दी हड़ताल कारण शुरू किए विकास कार्यों पर बहुत असर पै रहा है।